क्या नहीं हो रहा। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एमएम व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग आ चुका है और हमारे घर में हो रही है सेटिंग। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या हो रही है सेटिंग। बेड घुमाती और बाकी जो कमरे में चीजें थी वो सब मतलब जैसे अलमारी थी वो बाहर चली, आपको दिखाती हूँ। अलमारी वापस अंदर रखेंगे। अच्छा, ये रही अलमारी और ये रहा बेड। अब बेड आ जाएगा इस साइड और इस साइड, पूरा यहाँ पे हो जाएगा। क्या बोला पापा आपने? तो अब रूम की शिफ्टिंग हो रही है, जैसे आपको बताई था कि बेड एक साइड रखा था, अलमारी वहाँ पे रखी थी और फिर गद्दे बिछे हुए थे, लेकिन अब अलमारी बाहर चले गई है और बेड वापस अंदर आएगी। अच्छा, अभी वापस अंदर आएगी। और यहाँ पे अलमारी रखी हुई थी और यहाँ पे बेड था और यहाँ पे गद्दा बिछा के हम सोते थे। तो अब बेड जा रहे हैं उस साइड, उस दीवार पे, और अलमारी वापस अंदर आई है। तो गाइस, अभी मैं ऊपर आई हूँ और टाइम हो रहा है 5:30। तो मैंने सोचा मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगा कुछ करने के लिए तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि ऊपर टाइप ऑफ पिकनिक जैसा हम स्पॉट बनाए अपना, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई। तो मैंने सोचा आपको भी ले आते हैं, आपको भी दिखा लेते हैं अपने डेकोरेशन। तो अभी स्टार्ट करूँगी मैं। तो अगर आप भी बोर हो रहे हो लॉकडाउन में तो मुझे ज़रूर बताना इंस्टाग्राम पे, मेरी ऑफिशियल आईडी है चैनल की ऑफिशियल MM व्लॉग्स, तो मुझे फॉलो करना मत भूलना वहाँ पर। और वहाँ पर मेरे रोज न्यू अपडेट आते तो वो भी देखना मत भूलना। और बस, तो आप अभी तो मैं पूरी मतलब सफाई करूँगी और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पे पिकनिक बन रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो वो अभी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि जैसे मैंने सोचा था कि पास्ता बनाएंगे लेकिन अभी उसके सब्जियां नहीं है, तो दैट्स वाई जैसे शिमला मिर्च, ब्रोकली, टमाटर, प्याज वगैरह चाहिए होती है। तो अभी घर पर सिर्फ टमाटर और प्याज है, ज़्यादा आइटम्स नहीं है बनाने के लिए, मतलब सामग्रियाँ नहीं है बनाने के लिए। तो इसलिए अभी वो प्लान पोस्टपोन करते हैं, मतलब आगे शिफ्ट करती हूँ उसकी डेट। लेकिन हाँ, उसका भी ब्लॉग ज़रूर आएगा, तो इसलिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, मतलब ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि उसका ब्लॉग ज़रूर आए आपके पास। और मैं सोच रही हूँ इस बार थोड़ा स्पेशल, थोड़ा अलग थोड़ा अलग सा करें। तो इसलिए मैंने बहुत सारे प्लान सोच रखे हैं, उसमें से मैंने 3 सोच रखे हैं, उसमें से कोई एक होगा, तो देखते हैं कौन सा वाला अप्रूव होता है। सो मिलते हैं रात को। अभी बज रहे हैं शाम के 7:20 और घर में बन रहा समोसे और चाय, अभी टाइप ऑफ स्नैक्स समझ लीजिए। और फिर स्नैक्स तो 5 to 6 के बीच में होता है, लेकिन हम डिनर थोड़ा लेट करते तो इसलिए मम्मी स्नैक्स इसी टाइम पर बनाती हैं 6:30-7:30 बजे तक। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ समोसे और चाय बन रही है और मम्मी अभी मौसी से बात कर रही हैं, मतलब मेरी मौसी से, मतलब अपनी बहन से बात कर रही हैं, तो थोड़ा तेज़ कर रही हैं तो उसके लिए पीछे से पहली सॉरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ समोसे और चाय। पीऊँगी नहीं क्योंकि मेरा मतलब अब ना मन नहीं करता चाय पीने का। अगर आप चाय लगो तो नीचे क्यों इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर बताना। मैं कॉफ़ी लवर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, हाँ चाय लवर हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो अब मिलते जब, तो आपको तो पता ही है कि पिकनिक का प्लान कैंसिल हो चुका है, तो अभी मिलते हैं आपको स्नैक्स के टाइम। मैंने को दिखाती हूँ समोसे बन चुके हैं और भोग भी लग चुका है, तो मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे बने हैं। होममेड है, अच्छा होममेड ही बनाएंगे वो तो।
अभी बहुत बहुत गर्म है क्योंकि अभी अभी बने हैं, मतलब आपके सामने। इसके अंदर की फिलिंग देखो, आलू अच्छे से हैं, देखो कैसे शक्ल नीचे करना, कैसे तूने कैसे बता ये बनाया तूने इसमें तला। तो गाइस जैसे कि मैंने आपके सामने मम्मी बना रही थी, तो मैं टेस्ट करने वाली हूँ कि कैसे बने हैं समोसे। मैं इसके अंदर की फिलिंग दिखाती हूँ आपको, रुको बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी अभी बने हैं ये देखो, अभी ये साइड से टूटा है, चक्कर में जा रहा है इसमें। बढ़िया, मैं अभी बताती हूँ। अभी बज रहे हैं 12, और आज बने थे प्याज वाले चावल जो बनाए थे पापा ने, बहुत टेस्टी थे। तो अगली वीडियो आएगी मेरी चैलेंज वीडियो, जिसका नाम है डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग फॉर 24 आवर्स चैलेंज, तो उसको देखना मत भूलना। और जैसे मेरे चैलेंज आपने देखे ही थे, सारे खराब हो गए थे, जैसे फूड वाला चैलेंज खराब हो गया था, कार वाला भी खराब हो गया था, लेकिन ये वाला पक्का सही होगा। मैं मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।